हाल ही में भारतीय कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जिसके बाद से ही दोनों ही खिलाड़ियों की हर जगह चर्चा हो रही है। कांग्रेस ज्वाइन करते ही दोनों को कांग्रेस ने बड़ी जिम्मेदारी भी दे दी है। सबसे पहले विनेश की बात करें तो विनेश फोगाट को कांग्रेस ज्वाइन करते ही कांग्रेस आलाकमान ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। दरअसल हरियाणा में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जो कि अब से कुछ ही दिनों में शुरू भी हो जाएंगे। उससे पहले विनेश को कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा से चुनावी रण में उतारा है। इसके अलावा बजरंग पुनिया को भी अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसको लेकर अब बजरंग पुनिया का बड़ा बयान आ गया है। बजरंग का कहना है कि मैं किसान का बेटा हूं, किसानों की समस्याओं को समझता हूं, इसीलिए मुझे कांग्रेस ने किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्रजभूषण सिंह और भारतीय जनता पार्टी को समस्या हो रही है, जब हमने कांग्रेस ज्वाइन की अब हम एंटी नेशनल घोषित कर दिए जा चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ में कहा कि राहुल गांधी ने हर समय हमारी आवाज़ उठाई है, हर समय हमारे लिए काम किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ने किसानों, युवाओं और खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई है और उनके लिए हमेशा काम भी किया है। इसके अलावा बजरंग पुनिया ने क्या कुछ कहा, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। पहले सबसे पहले तो सबको नमस्कार, और सबसे पहले हम खिलाड़ी हैं, और जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, पहले भी किसान थे, और जो जिम्मेवारी दी है मुझे लगता है कि भाई मैं अपने किसान भाइयों के लिए जो आवाज़ पहले उठाता था अब और ज़्यादा मजबूती के साथ उठा सकता हूँ। जो उनकी समस्याएं हैं उनको हम सोल्व करने का पूरा अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और बिल्कुल उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि कई ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो भारतीय राजनीति में अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन किए हैं, फिर आपके और विनेश फोगाट के कांग्रेस ज्वाइन करने पर ब्रजभूषण सिंह इतना हमलावर क्यों है और इसे षड्यंत्र क्यों करार दे रहे हैं? देखिए, वो दिक्कत ब्रजभूषण को और पूरी बीजेपी को है कि क्योंकि अगर हम बीजेपी में जाते तो हम देशभक्त हो जाते, और हम कांग्रेस में आए हैं तो हमारे ऊपर कि भाई देशद्रोही है, फलाना दकड़ा, जो चीज़ें पहले बोल रहे थे वो अब फिर बोल रहे हैं। लेकिन हमारे नेता राहुल जी जो वो अभी प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हम उस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो किसान की, जवान की, खिलाड़ियों की, हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ काम करेंगे। और जो लोग बोल रहे हैं बीजेपी के ब्रजभूषण है, ब्रजभूषण को तो मुझे लगता है मीडिया ने ज़्यादा हैवी कर रखा है, नहीं तो वो सबको पता है किस प्रवृत्ति का आदमी है, तो उनके ऊपर बोलना तो उसको खामखा हाइप देना है।